नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ फिरोजाबाद सदर सीट 97 विधानसभा में। यहाँ कुछ पीछे आप मेरे देख सकते हैं, लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, जो इनकी क्या समस्या हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं इस वक्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर परवेज। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो अखिलेश भैया को चाहते हैं। अखिलेश भैया को क्यों चाहते हैं? भाई उन्होंने इनूर जो फ्री करने का वादा किया है और गरीबों की समस्या हल करने का वादा किया है, हम तो यही चाहेंगे कि उनकी अब की सरकार बने। मौजूदा सरकार है ये भी वादे कर रही है? ये तो अंत में बिल्कुल वादे कर रही है, जब इलेक्शन आ गया, सर पे आ गया, जब वादे कर रही है। उससे पहले तो उन्होंने गरीबों को इतना बर्बाद कर दिया कि राशन थोड़ा सा बांट गए, अभी इतने एक महीने इतना आदमी कैसे खा लेगा गरीब आदमी, समझे? और काम बंद, धंधे सब बंद डले हैं, उनकी सरकार में और ज़्यादा परेशानी आ गई है। और भैया पीछे खड़े भैया, चाचा बैठे, चाचा जी से पूछेंगे। चाचा, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो ऐसे चाहते हैं भैया जो को हमें काम धंधा मजदूरी मिले। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो परेशान हैं बहुत, रोटी रोजी से लिए भी परेशान हैं। किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार? हम तो भैया जैसी सरकार होनी चाहिए, बढ़िया एकदम, जो गरीबों का दुख दर्द समझे। विधायक कैसा चाहते हैं, मौजूदा विधायक हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं विधायक में। हाँ भैया, हम तो सपा की सरकार चाहते हैं। सपा की क्यों चाहते हैं? सपा की चाहते हैं कि काम धंधा सही चले, या आज मतलब परेशान कर दिया लोगों को। तो ये है, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सरकार अखिलेश भैया की चाहते हैं, ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि काम धंधे से काफ़ी परेशान है। भैया मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। किसके बारे में? किसकी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? हाथी हाथी अजीम भाई, अजीम भाई दे दे आया। ये भैया मिले हैं, ये अजीम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हाथी है। और सबको सपोर्ट हो गई। हाँ जी, सरकार समाजवादी सरकार, समाजवादी। और भी खड़े हैं, चचा खड़े हैं, चचा से पूछेंगे। अरे बोला, यूपी में अखिलेश साहब की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अखिलेश साहब बनेंगे, फुल बहुमत से आएंगे। और सारा क्या नाम है चाचा? यासीन अख्तर। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं अखिलेश की सरकार है, अच्छा विकास करे, अच्छा काम को अंजाम दे। तो मौजूदा सरकार है ये भी राशन फ्री दे रही है, काफी इसने तमाम योजनाएं दी हैं। काम तो सही कर रहा है, मगर लॉकडाउन में कोरोना में रेड मार दी, पब्लिक को परेशान करके रख दिया। काम सही करे, कुछ काम खराब भी करे, इससे जनता दुखी हो गई, परेशान हो गई। उसके क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? आपकी से सरकार जो है ज़्यादातर साइकिल अखिलेश की बनेगी। भैया ये रोड हमारा का नाम है, 10 साल से ख़राब है और छोटे 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 मासूम बच्चे निकलते हैं, यानी है कोहिनूर रोड भाई 10 साल से ख़राब है। और आज आप आगे देख रहे स्थिति क्या है इसकी, यानी बहुत ही बुरी का नाम है। बच्चे सुबह सुबह पानी भर जाता है, यानी और बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, मोटरसाइकिलें पलट जाती हैं, जान क्या क्या मतलब यहाँ मसला होता है भाई। तो आप कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक हम ऐसा चाहते हैं जो हमारे रोड का संभलवाए और मतलब सुकून शांति वाली मतलब काम धंधे चले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। और भी यहाँ तमाम लोग हैं, भैया मैं नहीं जानता। मोहल्ला नूर नगर है ये, तमाम ये पीछे आप देख सकते हैं तमाम दर्शक हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, मौजूदा सरकार से की वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धमदार है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, मौजूदा सरकार की वापसी चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? विधायक कैसा हो आपको? जो काम धंधा करा हो वही विधायक है। बदलाव चाहते हैं या फिर सरकार की वापसी चाहते हैं? नहीं, वापसी क्या होगी, मोदी की बनाएगी, योगी की बनाएगी सरकार। तो यहाँ हमने देखा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ ये बुजुर्ग बोल रहे हैं कि योगी की सरकार वापसी आ रही है। अच्छा खड़े हैं, इनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है? मुख्तार नाम है मेरा। सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए, भाजपा के हर काम अच्छे हैं। भाजपा के काम क्या अच्छे काम है? गल्ला, रहने के लिए मकान,
और सिलेंडर फ्री, हर कुछ फ्री मिला है उसका, और क्या लोगे बच्चे, जान लोगे। तो क्या सरकार की वापसी हो रही है या फिर बदलाव होगा? इन्हीं की बननी चाहिए सरकार। किसकी? भाजपा की। और भी है यहाँ, चाय की चुस्की है, बात करेंगे। क्या नाम? क्या नाम? शकील अहमद। किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा सरकार। है कैसा विधायक चाहते हैं? मतलब विधायक मैं ऐसा चाहता हूँ कि फिरोजाबाद के अंदर काम धंधा करे। यार रोड पे पानी भरा रहता है, यहाँ पर कोई विधायक 10 साल में नहीं आया। यहाँ पर 10 साल से तो मनीष ससीजा जी विधायक है, वो 10 साल से नहीं आया यहाँ पर, क्षेत्र में आते ही नहीं है वो। आते नहीं है, इतवार को आए थे तो पानी भरा तो पलंग लौट गई। तो क्या बदलाव चाहते हैं या फिर वापसी चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ चचा का कहना है ये बदलाव चाहते हैं, और भी यहाँ दशक खड़े, तमाम ये भीड़ आप देख रहे हैं, चचा पीछे बैठे हैं, चचा से बात करेंगे। चचा बदलाव चाहते हैं या फिर सरकार की वापसी चाहते हैं? रईस भाई, क्या चाहते हैं? अब की बार बदलाव होना चाहिए या फिर सरकार की वापसी हो रही है? अरे सरकार की वापसी, सरकार तो अच्छी चलाई, पर सबसे बड़ी कौम परस्ती की सरकार क्या सरकार है? जो कौम परस्ती पे चले वो कोई सरकार है? कौम परस्ती पे नहीं चलना चाहिए। सरकार तो बढ़िया है पर वो कौम परस्ती के नाम से ही बस सरकार पीछे है। जो राजनीति करते वो कौम परस्ती पे करते। क्या लगता है सरकार की वापसी हो रही है या फिर बदलाव चाहते? अरे अब तो यही है कि वापसी तो साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी जी। और भी यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं तमाम दर्शक हैं। चचा बैठे हैं, चचा से पूछेंगे। क्या नाम है चचा? क्या सरकार हमें अखिलेश की चाहिए, अच्छी बात करे वो विधायक चाहिए, ना इश्तबागी ना होए, भाईचारा रहे और सही मामला, थोड़ा मामला ऐसा होना चाहिए, महंगाई है तो थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए। तो मौजूदा सरकार है इसकी वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? अब ये तो जनता बताएगी, 20 तारीख को जो मार्च में सरकार बनेगी पता चलेगा किसकी सरकार बदली जाएगी, किसकी नहीं बदली जाएगी। नाम मेरा मोहम्मद सुनील। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? शांति सुकून रहे, अमन रहे, कारोबार चले और जिन जालिमों को हटाओ। किन को हटाओ? कौन जालिम है? कौन जालिम है? जो बैठा वो जालिम है। बलात्कारियाँ हुई हैं इनकी सरकार में, क्या नहीं हो रहा? सबकी सरकार में सब होता है। हम जो चाहते हैं हमारे अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए बस। चावल से कुछ नहीं होता, भिखारी बन गए, बच्चे पढ़ने नहीं आते, स्कूल बंद चल रहे हैं, भीख मांग मांग के खा रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कैसा विधायक चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार है इससे, मौजूदा सरकार से कोई फायदा नहीं है। औरतों को भिखारी बना दिए, 500 रुपये दे के, आदमियों को भिखारी बना दिए, गेहूँ दे के और चावल दे के, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, स्कूल कॉलेज सब बंद है, बच्चे अंडे गोली खेल रहे हैं, आपस में भिखारी गलौज कर रहे हैं, घर में घुसे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद। बिल्कुल है, अब अंदाजा लगा लो तुम कितनी होगी? बता कितनी होगा? कितनी? 30+ हूँ मैं। 30+? हाँ। और बलात्कारियाँ हुई हैं इनकी सरकार में, क्या नहीं हो रहा? सबकी सरकार में सब होता है। हम जो चाहते हैं हमारे अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए बस। की चाहिए? अखिलेश की चाहिए। अभी चचा बोल रहे थे, एक चचा मिले थे, भाजपा की वापसी चाहते हैं। वापसी चाहते हैं ये किसी मतलब की नहीं है, ये तो मारने की मतलब की है। मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को मरवा दिया है। क्या नाम? मेरा नाम है मोहम्मद ईशार। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, जो मौजूदा सरकार है इसकी वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? मौजूदा सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ती है, और हम चाहते हैं जो सबकी बात लेकर चलेगा वही सरकार बनाएगा। अब की बार और समाजवादी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से आ रही है, और इन भाजपाइयों में मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है, और आम जनता भी करेगी और इनको मार के भगाएगी, क्योंकि इन्होंने नफरत फैलाई है देश के अंदर। बेरोजगार हैं ये लोग, इनके कारोबार चल नहीं रहे, कारखाने आज 20% चल रहे हैं, 80% कारखाने बंद हैं, मजदूरों को खिला के भिकमंगा बनाना चाह रही है ये सरकार। बताओ अगर 5 किलो आटा या गेहूँ या दे रही है रफान, तो इससे क्या होता है भाई?
इनको क्या, इनको तो जो है इनको जो है भिखारी बना रही है ये सरकार। 200 रुपए तेल हो गया। जैसे आज के अर्जुन फिल्म में अमरेश पुरी ने क्या काम करा था, हराम खाऊ बना दो इनको, इनके कागज जब्त कर लो, इनको अनाज देते रहो, सही बात, अपना गुलाम बना लो, हम राज करते रहेंगे। तो भाई सरकार का बदलाव होना जरूरी है और नफरत की राजनीति को ख़त्म करो और साइकिल को तेजी से दौड़ाओ। ये जिन भाई साहब का कहना है कि सरकार की ये वापसी चाहते हैं, तो और किसी से भी पूछेंगे और यहाँ और तमाम लोग हैं, किसी से बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? इलियास। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, मौजूदा सरकार की वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? साइकिल, साइकिल की सरकार। साइकिल की क्यों चाहते हैं? साइकिल की सरकार चाहते हैं। क्या नाम? हमारा पप्पू। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, जो मौजूदा सरकार है इसकी वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं इस बात के लिए कि इनकी सरकार में महंगाई तो कम हुई नहीं है सर, इनकी महंगाई कम हो गई हो तो आप बताएं। सिलेंडर 1000 रुपये होगा अखिलेश भैया की, उसमें सिलेंडर 500 रुपये का, 300 रुपये का, 500 तो ऊपर का नहीं हुआ। कड़वा तेल, तेल भी इनकी सरकार में आसमान छू रहा, 200 रुपये, पेट्रोल डीजल सब आसमान छू रहे हैं इनकी सरकार में, बस यही नहीं हुआ उधम भाई। तो क्या नाम है? मेरा हाई बब्बू नाम है, मैं मोदी जी का फैन हूँ। हालात जी हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे आसपास के क्षेत्र में गैया सब नाच गा जाती हैं, मोदी जी 5 किलो नाच देते हैं। और अब की सरकार को बदलना है, अखिलेश भैया को जिताना है, सारी पब्लिक यही कह रही है साइकिल को वोट दो और अखिलेश की सरकार बनाओ। तो मोदी के फैन है, फिर अखिलेश भैया कैसे आ गए? 2024 में मोदी जी को वोट देंगे हम। अच्छा, 2014 में वोट देंगे, अभी नहीं देंगे, सॉरी 2024 में आप वोट देंगे मोदी जी को? वोट देंगे मोदी जी को, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे? अभी अखिलेश भैया को वोट देंगे। मोदी जी हम के फैन है, हम चारों तरफ मोदी जी की चर्चा करते हैं, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री है, मगर उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि गैया सब नाच खा जा रही हैं, 5 किलो के चक्कर में लोग भिखारी हो जाए, और यहाँ पे हम ठेला लगा दें कि लोगों गैया यहाँ भी खा जाती हैं। उन्होंने ठेला बंद कर दिया, कभी भी ऐसे मालूम है। हम तो भैया साइकिल की जाते हैं बस, अखिलेश जी की साइकिल की। हाँ, मुख्तार अली। अगली बार क्या चाहते हैं आप, सरकार की वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बदलाव, बदलाव होना चाहिए। विधायक ऐसा हो जो देश इस फिरोजाबाद की बच्चे बच्चे की जो शिक्षा है, पानी है, महंगाई है, इन सारी चीज़ों पर गौर करते हुए सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षा बर्बाद कर दिया बच्चों को, लॉकडाउन, तमाम चीज़ें देख लो, दाल कभी खाई है 100 रुपये से ऊपर की? इस बार सिलेंडर कभी लिया किसी ने यहाँ पर? जितने लोग हैं 1000 रुपये का सिलेंडर, सब्सिडी बड़ी फख्र से आती है 14 रुपये 15 पैसे, क्या है ये? मजाक बनाकर रख दिया देश की, बर्बाद कर दिया देश को, क्या है ये? किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सही बात, फसलें चौपट हो रही हैं, सही बात, महंगाई, अनाप शनाप, धंधे चौपट, दुकानदार रो रहा है, गरीब आदमी रो रहा है, क्या मतलब है ये? क्या है ये देश? देश ऐसे चलता है? सही बात, देश ऐसा नहीं चलता, इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं बदलाव? बिल्कुल चाहते हैं, 100% चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार चाहते? सपा की सरकार आनी चाहिए, अखिलेश जी आ जाना चाहिए, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहम्मद सेहरा, मोहल्ला नून नगर, कश्मीर गेट में आम नून नगर। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं? आपकी साल सरकार है इससे जिसकी वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव कैसा हुआ? बदलाव विधायक की तो ये है, विधायक की तो खैर वो बात की बात है, लेकिन सरकार बदलाव चाहती है क्योंकि इससे ज़्यादा तंगी हालात हो गए, परेशानी है, हर बच्चा परेशान है, हर बड़ा हो या बुजुर्ग हो, हर चीज़ से परेशान है, महंगाई बेहिसाब है, महंगाई पे कोई रोक नहीं है, और जो बुजुर्ग का भी पेंशन वेंशन उसको भी बंद कर दिया गया एक तरीके से। अब बदलाव के इसलिए साइकिल की लहर है, आदमी ज़्यादातर साइकिल को वोट देना चाह रहा है और देगा। बदलाव चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार के तो झूठे वादे रहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ऐसे आ रहे हैं भाई साहब कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, जो 60-65 रुपये लीटर था वो 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल,
और जो गाड़ी 60-65 हज़ार रुपए की आ रही थी आई वो 1 लाख की हो गई। अच्छे दिन आ रहे हैं गरीब आदमी के, यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा था। यहाँ क्या नाम है, जात बिरादरी हो रही है। जो आज आप चले जाएँ आई वी गिलास से इंडस्ट्री इलाके में, यहाँ मक्की भी अगर पैर रख दे तो रपट जाए, और आज मुस्लिम एरिया में देख लें आप, घोंटू घोंटू पानी में चलकर बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं। ये अच्छे दिन आए हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं। कभी भी मुस्लिम इलाके में उन्होंने झाँक के नहीं देखा असीजा जी ने। एक बार असीजा जी ने हाजीपुरे में नाले में बैठ कर सफाई क्या करा दी, सारे मुसलमानों का दिल जीत लिया, 20 साल हुकूमत कराई। आज सबके साथ सबका विकास चाहते हैं और इधर झकने के भी नहीं आते असीजा जी। जब वोटों का टाइम आया तो यहाँ से कारखाने से लौट गए साहब, यहाँ तक आपके पास आई नहीं। नहीं, इधर आए ही नहीं हमारी तरफ। क्या सबका साथ सबका विकास है, पूरी बातें हैं या कुछ काम है जमीनी? अब योगी जी को ले जाइए आप, योगी जी कहते हैं कि हम सबकी गर्मी ठंडी कर देंगे। योगी जी पहले अपनी गर्मी तो ठंडी कर लें, बाद में दूसरों की गर्मी ठंडी करेंगे वो। योगी जी अपनी गर्मी तो ठंडी कर लें कम से कम। सही बात है। जो जिम्मेदार आदमी, मुख्यमंत्री का मतलब होता है एक देश का राजा होना, और एक देश का राजा ऐसी बात कर रहा है कि हम लोगों की गर्मी ठंडी कर देंगे, तो उसकी प्रजा का क्या होगा? सही बात, आप सोचने वाली बात है। जब राजा देश का ऐसा कह सकता है कि हम गर्मी ठंडी कर देंगे, तो देश की प्रजा का क्या हो सकता है? क्या लगता है बदलाव? फिर हम तो बदलाव चाहते हैं साहब, जो चल रही थी, अब जो है हम नई सरकार चाहते हैं। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी, जो विकास हो, काम चलवाए, कारोबार चलवाए और खूब खुशहाली हो देश में, ये चाहते। आपकी बात, देश की खुशहाली खत्म कर दी सरकार ने, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। किसकी सरकार? किसकी सरकार? अजीम भाई की सरकार, आप ही की। ओनली बीएसपी, ओनली बीएसपी चाहिए, बीएसपी चाहिए, बीएसपी। लियाकत खान, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? मौजूदा सरकार की वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? गठबंधन सरकार। गठबंधन कैसी? गठबंधन ऐसी स्पष्ट होती है, मनमानी करते हैं। गठबंधन मनमानी नहीं करेंगे, काम करेंगे। किसकी सरकार होनी चाहिए गठबंधन? माया की, मुख्यमंत्री माया, बाकी सब साइड में। मायावती को वोट देंगे हम। मायावती में ऐसा क्या है? मायावती के अंदर ऐसा ये है कि मायावती में कोई परेशान नहीं रहता, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना बच्चे ना महिलाएं, ना बूढ़े ना बुजुर्ग, गुंडागर्दी खत्म, प्रशासन टाइट। ये माया के अंदर ही खूबी है। गुंडागर्दी तो योगी जी ने भी काफ़ी ख़त्म कर दी है, बात बोलते हैं हम गुंडा तो बिल्कुल है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सारे गुंडा नेता हो गए, गुंडे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। जब गुंडे नेता हो गए तो गुंडा सारे नेता गुंडे बन गए, गुंडागर्दी तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जो सरकार ना माया चलाती है, वो सरकार किसी की नहीं चली, माया सरकार चाहिए। सरकार आप मायावती जी की चाहते हैं, तो विधायक कैसा चाहते हैं आप? जो 97 विधानसभा सदर सीट है फिरोजाबाद, यहाँ कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक अजीम भाई जैसा बोलने वाला विधायक, काम करने वाला विधायक, जो काम किया है फिरोजाबाद में, सड़कें दी हैं, अस्पताल दिया है, मीठा पानी दिया है, ये अजीम के टंकियाँ दी हैं, गरीबों को देखा है, ये अजीम ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी के सब घूम रहे हैं। असीजा भी हैं मैदान में। असीजा जी वेरी गुड, असीजा जी से बैर नहीं है, असीजा जी की पार्टी से बैर है। छुट्टन जी हैं, छुट्टन जी भी हैं। छुट्टन भाई की बुराई नहीं कर सकते, छुट्टन भाई को देखे ही नहीं है, काम ही नहीं किया। छुट्टन भाई से क्या है, पहली बार आए, छुट्टन भाई क्या कर रहे हैं? इधर आए नहीं है आपके मोहल्ले में। छुट्टन भाई की बुराई नहीं कर सकते, छुट्टन भाई का पहला इलेक्शन है, छुट्टन भाई को किसी ने बरदा नहीं है। असीजा जी वेरी गुड इंसान है, असीजा जी निर्दलीय खड़े हो जाएं, असीजा जी जीतेंगे, सारा मुस्लिम वोट मिलेगा असीजा जी को अगर निर्दलीय खड़े हो जाएं। पार्टी से वोट नहीं मिलेगा? पार्टी का वोट नहीं मिलेगा, पार्टी से बैर है, असीजा कोई बैर नहीं है। असीजा जी से आपका बैर नहीं है, बैर है तो पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी बैर के काम करती है ना, मॉब लिंचिंग कराती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। अगर बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करना खत्म कर दे तो वेरी गुड सरकार, जो सरकार चला रही है अच्छी सरकार, लेकिन भेदभाव करती है, भेदभाव वाली सरकार है वो, सौतेलापन दिखाती है वो, अपना पराया करती है।
और भी यहाँ तमाम लोग आप बताइए, पूछिए साइकिल जाएगी और कोई नहीं जा रहा, कोई शर्ट भी लगाए, कोई भी शर्ट लगाए। ये साइकिल ही कह रहे हैं, सरकार तो मोदी की अच्छी है, मैं मोदी में हिंदू मुस्लिम करना फितूर फैलाना ये आम बात हो गई है इनकी भाजपा में। अब भाजपा सरकार तो बहुत बेस्ट है मगर इसके कार्यकर्ता बहुत खराब है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आएगी? बस सरकार तो हिंदू मुस्लिम फैलाएगी तो सरकार तो साइकिल की आएगी, और हिंदू मुस्लिम बंद करेगी तो मोदी के लोग फोटो और लगाएंगे हाथों के गलों में जेबों में रखेंगे फोटो, मगर हिंदू मुस्लिम करना ही बंद करेगी सरकार। देखो सरकार के संग तो जनता अपने घरों में मोदी का फोटो लगाएगी, जोगी के जेबों में फर्शों में रखेगी, मगर हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में मुसलमान खिलाफ रहता है इससे। क्या बोल रहे मंदिरों में ताले लगवा दिए, मस्जिदों में ताले लगवा दिए, और इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा, इससे ज़्यादा क्या सर? वही बताओ, 950 रुपये का सिलेंडर है, मैडम पहले 550 का सिलेंडर था। क्या लगता है सरकार की वापसी चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते? बदलाव नहीं, वो इधर फ्री बांट रहा है गेहूँ आटा, और उसी इधर पैसे बढ़ा दिए रेल पे बसों पर